अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग से सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इंशावान और मैं हूँ मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ कि खुदा अपनी रहमतें भी पाया से आपका दामन उम्मीद भर दे और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। नाज़रीन, इस वक्त हम पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के IC3 डिपार्टमेंट में मौजूद हैं जहाँ पर बेस्ट PCO ऑफ द मंथ की सेरेमनी मुनक्किद की जा रही है और यहाँ पर कुछ हमारे साथ PCO ऑफ द मंथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो अवार्ड और ये जो इनाम उनको मिला है आखिर उसके पीछे कितनी मेहनत थी और किस तरह से उन्होंने ये इनाम हासिल किया और बहुत ही खुश हैं वो। और हम CEO कामरान साहब से, इसके अलावा जो हमारे ऑपरेशन कमांडर हैं, उनसे भी जानेंगे कि इनकरेजमेंट कितनी ज़रूरी है किसी भी एम्प्लॉय के मोरल को और उसकी मोटिवेशन को हाई करने के लिए। तो आइए उनसे जानते हैं। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं CEO कामरान खान साहब और आइए उनसे पूछते हैं कि आज जो सेरेमनी है उसका क्या मकसद था और किस तरह जो है पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स को बल्कि किसी भी इदारे में मोरल को बूस्ट अप करने के लिए कितना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि कितना ज़रूरी है कि मोरल को जो है आपके एम्प्लॉयज़ के मोरल को बूस्ट करना। देखें जी, बहुत ज़रूरी, सिंपल सी पहली बात है, बहुत ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है? हमारे पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे जो ये ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, ये जो कैमरों पे देख रहे हैं, बहुत ही एक सेंसिटिव काम है और आपको फुल कंसंट्रेशन चाहिए इस काम के लिए। तो दो तीन तरीके हैं उनको, उनकी कंसंट्रेशन को कायम रखने के लिए। एक तो उनको मोटिवेटेड रखा जाए। मोटिवेटेड रखने के लिए ज़रूरी है कि उनकी परफॉर्मेंस, अच्छे काम को अप्रिशिएट किया जाए, सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च ना किया जाए, बाकायदा उनको रिकॉर्ड पे लाया जाए चीज़ें, उनकी एनुअल परफॉर्मेंस में, वीकली मंथली परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट हो, कैश रिवॉर्ड्स हों जो आज के सिस्टम में तकरीब हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि उनको वर्क एनवायरनमेंट ऐसी दी जाए जिसमें वो मोटिवेटेड रहें और वो इसका एहसास करें कि ये काम जो है उनके लिए, पब्लिक के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में सारा हो रहा है और उनकी कंसंट्रेशन और उनकी तवज्जो से वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से वो थ्रू कैमरा जो देख रहे हैं पिक कर सकते हैं और उसको लाहौर की सिक्योरिटी के अंदर उसको रीइन्फोर्स कर सकते हैं उसके ज़रिए। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये तकरीब का इनका किया गया ताकि वो मोटिवेटेड रहें और जो ये मोनोटनस काम है इससे एक ब्रेक मिले और इसमें उनके लिए इंसेंटिवाइज़ किया जाए इस काम को। काम तो देखें, तनख्वाह मिलती है हमें काम की, लेकिन उसको फर्दर अगर आप इंसेंटिवाइज़ कर दें कि जी अच्छा जो काम करेगा उसको उससे ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी, रेगुलर भी मिलेगी और एनुअल बेसिस पे मिलेगी, यकीनन ये उसके काम पे एक अच्छा उसका असर होगा और वो मोर बेहतर तरीके से काम करेगा। तो सर, इस पे मेरिट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि मेरिट पे आप फैसला करें, जजमेंट करें और उन्हीं को दिया जाए जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस है। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है आपकी? देखिए, हमारे पास जो हमें एक एज है, अगर हम किसी और इदारे में ये चीज़ करें तो आपकी थोड़ी सी एक पर्सनल उसमें एक बायस भी आ सकता है। हमारे पास जो एडवांटेज ये है कि हमने एक SOPs बनाई हुई है। SOPs के अलावा हमारा जो हर ऑफिसर है जब वो लॉगिन करता है तो उसकी एक यूनिक आईडी है, तो उसके अगेंस्ट उसका काम रिकॉर्ड हो जाता है और उस रिकॉर्ड की बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन होती है। फिर हम इस काम को, हमने ये भी अपीयर ओपन किया, अगर हम ये जब हम असेसमेंट करते हैं तो उसको कुछ अर्से के लिए ओपन करते हैं, जितने ऑफिसर्स हैं वो उसको चैलेंज कर सकते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन सही हुई है, नहीं हुई है, पर्सनल बायस को मिनिमाइज उसमें कर दिया है और फैक्ट्स की बेसिस पे है। अगर कहीं पे वो कहता है कि मेरी ये परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट नहीं हुई है किसी वजह से, या ये मेरे से एडिशनल काम लिया गया, ये मेरी परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, वो सारा इनकॉर्पोरेट करके पूरा मौका देके उसके बाद फिर हम ये अनाउंस करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इस वक्त अब हम बढ़ते हैं SP आसिम जसरा साहब के पास चलते हैं जो कि ऑपरेशनल कमांडर IC3 है। उनसे पूछते हैं यहाँ की जो डिपार्टमेंट्स की वर्किंग है। और सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट बहुत मेहनत से काम करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, लेकिन पर्टिकुलरली ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि बहुत, जैसे कहते हैं ना, हार्ड वर्क है और बहुत मेहनत से काम करता है? अच्छा, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी रोल है और उसका अपनी इम्पोर्टेंस है। OMC देख लें, इसका OMC का काम ऑब्जर्वेशन देना और सर्च करना कौन से ग्राउंड पे सिक्योरिटी के लिहाज से लेकुनाज हैं, वीक एरियाज हैं, उनको रिपोर्ट करना, वो भी इम्पोर्टेंट काम है। इस तरह डिस्पैच का काम बहुत सेंसिटिव है। इसके अलावा जो 15 कॉल टेकिंग एजेंट्स हैं, जो हमारे पुकार है, ECC है, देयर जॉब इज़ वेरी वेरी मच सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट। कोई एक कॉल भी ऐसी नहीं है जिसको आप निगलेक्ट कर सकें। और सबसे अहम काम लास्ट बट नॉट लीस्ट EDAC का है कि जो एविडेंस को प्रोवाइड करते हैं, लाहौर पुलिस को असिस्ट करते हैं और लीगल उसकी एक सैंक्टिटी है, उसको मेंटेन रखना, उसको SOPs के तहत लेके चलना। तो ऑल डिपार्टमेंट्स आर डूइंग ग्रेट जॉब। और ये जो आज की सेरेमनी है, ये इस लिहाज से भी अहम है कि ये सेफ सिटी का एक हॉल मार्क है कि एक कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम के ज़रिए इनकी असेसमेंट होती है, जिस पर कोई
اعتراض نہیں کرتا، کوئی کوشچن نہیں کرتا، اور دوسرا اس کا جو ہم انکریج کرتے ہیں اپنے آفیسرس کو کہ یہ ان آؤٹ آف دی باکس نئے آئیڈیاز لے کے آئیں، انوویشن لے کے آئیں اپنے کام میں، اور اگر یہ کوئی ایک کام ڈفرینٹ کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم انکریج کرتے ہیں۔ سر، ٹرانسپیرنسی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ اگر کوئی یہاں پر پی سی آف دی منتھ بنا ہے تو کیسے آپ اس کو جج کرتے ہیں کہ یہ جو بنا ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسی فیک چیز نہیں ہے؟ اس کے لیے وی آر اوپن ٹو ڈسکشن، ہم ان کو انکریج کرتے ہیں، یہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں، کوئی اگر ایشو ہے کسی بھی جگہ پہ، کوئی ایسا اگر کوئی رپورٹ ہوتی ہے، کوئی ان کا آبجیکشن ہے، تو اس کو ہم ود اوپن ہارٹ ود اوپن مائنڈ ہم ان کو سنتے ہیں اور اس کو اوپر اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وی لرن فرام آور ایکسپیرینس، فرام آور مسٹیکس، اور اس کو گریجولی امپروو اور بلڈ اپ آن کرتے رہتے ہیں۔ سر، یہ کتنا ٹف مطلب سچویشن ہے، دن رات 24/7 جو ہے وہ پی پی آئی سی 3 کام کر رہا ہے، پولیس کمیونیکیشن آفیسر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ ٹف جاب ہے، تو کتنا ضروری ہے کہ اتنے اپریسیشن، آپ کو پتہ ہے کہ بہت ضروری ہوتی ہے کسی کے بھی مورائل کو بوسٹ کرنے کے لیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی جو سرمنی ہے جس پہ آپ اگلے کو انکریجمنٹ دیتے ہیں یا اپریسیشن، یہ کتنی ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری ہے جب آپ کا کام اکنالج ہوتا ہے، تو دنیا کی جتنی بھی موٹیویشنل تھیوریز ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ ریوارڈ کی تھیوری ہے، اور یہ ایک ڈیوائن رول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ریوارڈ کا اور جو پنشمنٹ کا کنسیپٹ رکھا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی لاز آف نیچر ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ادارہ جو ہے جب تک وہ جزا اور سزا کے نظام کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ افیشینٹ پرفارمنس نہیں دیتا، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی کے اوپر ہم کام کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارا یہ خاص فیچر ہے کہ ہم اس کو روٹین کے طور پہ رہتے ہیں۔ یہ تو کووڈ کی وجہ سے جو سرمنی تھی میں ڈیلے ہوئی ہے، لیکن ہر مہینے کا ہم نے اس میں پی سی آف دی منتھ کا سیگمنٹ ضرور رکھا ہے۔ سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا ریوارڈ اور پنشمنٹ بھی دی ہے آپ نے کبھی کسی کو؟ پنشمنٹ کا جو تھیوری ہے وہ یہی ہے کہ اٹ شوڈ بی کریکشنل، اٹ شوڈ بی اٹ شوڈ ایم ایٹ ریکٹیفیکیشن، تو بالکل پنشمنٹ ہوتی ہے اگر کوئی الحمدللہ سارے جو ہمارے پی سی اوز ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں، رسپانسیبل ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، اور ہمیں سے رسپانسبلٹی ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دے آر رسپانسیبل، اور اگر کوئی لوپ ہول ہوتا ہے تو اس پہ ان کو سزا بھی ملتی ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ عاصم جسرا صاحب جو کہ آپریشنل کمانڈر آئی سی 3 تھے۔ اب بڑھتے ہیں ان پیسز کی جانب جنہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کن مشکلات کا ان کو کس مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا اور کس طرح سے یہ اوارڈ حاصل کیا۔ بڑھتے ہیں ان کی جانب، آئیے ہمارے ساتھ۔ اور اب جو ہے فائق، ان کے چہروں پہ خوشی کے جو تاثرات ہیں نا، وہ بھی قابل دید ہیں۔ اب میرے ساتھ جو ہے وہ پی سی آف دی منتھ نمرا موجود ہیں، اور آئیے ان سے جانتے ہیں۔ نمرا، پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے بڑی محنتوں کے بعد جو ہے، مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کبھی آپ نے بھی بریک بند کی تھی کبھی اپنی جو چھٹی ہوتی ہے، وہ چھٹیوں والے دن بھی آئی ہیں؟ ایسا ہوا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا، چھٹیوں والے دن میں تو نہیں آئی، لیکن ویسے ایسا ہوتا ہے کہ بریک کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کنٹینیوسلی کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اچھا، کون سے ڈپارٹمنٹ سے نمرا؟ میں او ایم سی سے ہوں۔ اچھا، او ایم سی سے کوئی آپ نے کوئی ایسا کیس پکڑا ہو جس پہ آپ کو پھر پرفارمنس پی سی آف دی منتھ ملا ہے، بیسٹ پرفارمنس اوارڈ؟ اچھا، ایک تو فیک نمبر پلیٹس، اور ایک دفعہ میں نے تھیف پکڑا تھا ریڈ ہینڈیڈ۔ اچھا، مطلب آپ نے رنگے ہاتھوں، مطلب دیکھ لیں نمرا نے رنگے ہاتھوں چور، آپ ہمارے پی سی او کو ایزی نہ لیں، وہ رنگے ہاتھوں چور پکڑ سکتی ہیں۔ اچھا نمرا، اب کیسی جو ہے فیلنگز ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، خوش ہو؟ جی جی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور پی سی آف دی منتھ طاہرہ رائنا موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ طاہرہ، کون سے ڈپارٹمنٹ سے آؤ؟ میں پکار ڈپارٹمنٹ سے پی سی آف دی منتھ بنی ہوں ان دا منتھ آف اکتوبر۔ ورکنگ کیا پکار ڈپارٹمنٹ؟ پکار کی ورکنگ یہ ہے کہ پکار 15 میں ہم پورے پنجاب کی سے ہمیں 15 پہ کال ریسیو ہوتی ہیں، موصول ہوتی ہیں، وہ کال ہم نے یہاں پہ ریسیو کی، اور پورا مہینہ میں نے پوری۔ لیکن اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے لوگ فیک کالز بھی کرتے ہیں، سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فیک کالز نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ طاہرہ ہمارے ویب ٹی وی کی اینکر بھی ہیں، اور ساتھ میں یہ نیچے آپریشن ڈپارٹمنٹ میں کام بھی کرتے ہیں۔ تو آج ان کو پی سی آف دی منتھ کا اوارڈ ملا ہے، کیسی فیلنگ ہے آپ؟
खुशी हो रही है, बहुत मज़ा आता है जब आप अपने डिपार्टमेंट में आपको अप्रिशिएट किया जाता है, रिवॉर्ड मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसी रिवॉर्ड के पीछे काम कर रहे होते हैं, एफर्ट कर रहे होते हैं, तो अच्छा लगा, अप्रिशिएट किया एमडी साहब ने भी। आगे भी कोशिश रहेगी कि इसी तरह से जो है वो बेस्ट परफॉर्म करते रहें। और अब हमारे साथ पीसीओ ऑफ द मंथ ताहिर मौजूद हैं, और ये उनसे जानते हैं कि उन्होंने कितनी हार्डवर्क की और अब उन्हें कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। वालेकुम सलाम। ताहिर वैसे खुश तो आप मुझे देखने से ही बहुत लग रहे हो, लेकिन जरा हमारे मुसलसल स्माइल दे रहे हैं, स्माइल दे ही जा रहे हैं, बहुत स्माइल बनता है उनका, बनता भी है। उन्होंने पूरे महीने मेहनत की और फिर उन्हें रिवॉर्ड मिला है। अच्छा ताहिर, अब ताहिर भी कुछ बोल ही लें। ताहिर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो एक मंथ मेहनत थी कि मैं कंसेक्यूटिव तीन दफा बनाऊं। अच्छा अच्छा, तीन बार वो पीसीओ ऑफ द मंथ रहे हैं, हैट्रिक हो गई इनकी अक्टूबर के अंदर, वो एमसी के अंदर। हां जी, इसलिए ज्यादा खुशी है। सबसे मुश्किल जो व्यूअर्स पीसीओ ऑफ द मंथ बनने हैं ना, मुझे जो लगता है वो ओएमसी में बनना है, क्योंकि ओएमसी में ऑब्जर्वेशन बहुत हेक्टिक है। अच्छा बताओ, कौन सा केस ऐसा पकड़ा, कौन सी ऐसी चीज आपने देखी, मतलब ऑब्जर्व की कैमरे से और आपने फौरी रिस्पॉन्ड? इसमें एक चीज़ नहीं होती, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम ई चलान डिफॉल्टर व्हीकल्स को पकड़ते हैं, उसके साथ साथ फेक नंबर्स होते हैं, या जिन जो लोग सरकारी ऑफिसर नहीं हैं वो ग्रीन नंबर लगाते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसमें ये होता है कि जो फेक नंबर होते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यूज़ होती हैं, हाउस बर्गलरीज में, रॉबरीज के अंदर वो यूज़ होते हैं। तो हम जब उनको राउंड अप करते हैं और उनका रिकॉर्ड कुछ और होता है, वो कुछ उन्होंने कुछ और लगाया होता है, तो वो उसकी एक अलग से खुशी होती है। कितना हेक्टिक हो जाता है 24/7 काम करना, कभी सुबह के शिफ्ट में, कभी दोपहर में आना, कभी रात में आना, हर चीज़ डिस्टर्ब है, नींद डिस्टर्ब है, भूख डिस्टर्ब है, हर चीज़, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कितना मुश्किल है? पहले हम लोगों ने यही सुना था कि जब यहाँ पे आएंगे तो शिफ्टों में काम करके तो आप ना एक रूटीन के साथ आदी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर दफ़ा हर शिफ्ट जब ख़त्म होती है, रोटेशन होती है, तो काफ़ी मुश्किल होता है। दो तीन दिन लगते हैं अपनी नींद को और बाकी सारे काम को मैनेज करने के अंदर, तो उसमें काफ़ी अभी तक है। अपनी सक्सेस स्टोरी किसे डेडिकेट करोगे? अपनी सक्सेस स्टोरी में अपने पेरेंट्स को। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और पीसी ऑफ द मंथ मौजूद हैं, वलीद, और वलीद से पूछते हैं कि ये किस डिपार्टमेंट से पीसी ऑफ द मंथ बने। वलीद, आप ये मुझे बताएं कि कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? फाइक बेसिकली मेरा डिपार्टमेंट है ईडैक, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एनालिसिस सेल। इसके अंदर हम जो है वो जो केसेस इंसिडेंट हो चुके होते हैं हम उसको बैक ट्रैक करते हैं, आफ्टर रॉबरी या चोरी के बाद जो केसेस आते हैं इन्वेस्टिगेशन वाले, रॉबरी हो गई, मर्डर हो गया और स्नैचिंग हो गई, इस तरह के जितने भी केसेस हैं, जितने भी एफआईआर हैं, जितने कैमरे से जिसे मदद मिल सकती है, हम वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम वो आईओ जो होता है उस केस का, उसके साथ लेकर और मुदई को साथ लेकर उसको ट्रेस करें। ठीक है, काफी हद तक हम ट्रेस कर लेते हैं। तो कोई ऐसा केस बताएं हमें जो अब तक का सबसे हीनियस केस था और आपने वो ट्रेस किया और उसके बाद वो मुजरिम पकड़ा भी गया। हाँ, ऐसे तो काफ़ी सारे केसेस हैं, केसेस जैसे करते हैं तो ये ऐसे इनामात मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये पेज देख लें नाज़रीन, ये पेज खाली आपको वैसे नहीं मिलता, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, और जब आप देख रहे होते हैं कैमरे में तो डिसीजन मेकिंग बहुत मैटर करती है यहाँ पे। क्या आप सोच भी रहे होते हैं साथ साथ कि अगर यहाँ पर ये मुजरिम यहाँ से गुजरा है तो आइडेंटिफाई करें कि ये किस किस चीज़ों के लेकर गुजरा है? तो ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। जी, काफ़ी मुश्किल काम होता है। इसके अलावा हमें ट्रेस करना होता है, मतलब जो कल्प्रिट होता है। उसके अलावा इसमें सबसे जो डिपार्टमेंट में आप स्टोरी शेयर नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ा सा ये हसास मामला हो जाएगा, क्योंकि ये हम उसको बैक ट्रैक करते हैं। दूसरे नंबर पर ये है कि इधर इनर सेटिस्फेक्शन जो है ना वो इस डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे साथ जो है मुदई भी बैठा होता है, जब वो देखता है कि उसका कल्प्रिट है उसके सामने पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, तो उसका जो खुशी हो रही होती है वो हमें भी खुशी हो रही होती है, और यही खुशी हम हमारी मोटिवेशन है। अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। कौन सी डिपार्टमेंट से है? जी मैं एमएमसी से हूँ, मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर। अच्छा, मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर में सबसे टफ काम क्या है? सबसे टफ काम, बेसिकली टफ काम तो कोई भी नहीं है, आपकी स्किल ही होती है जो अच्छा। आपको आनी चाहिए। अच्छा, तो इसमें स्किल इम्पोर्टेंट है? जी स्किल इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारा काम दरअसल है सोशल मीडिया को मॉनिटर करना। ठीक अच्छा, है अच्छा। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में हम देखते हैं मोस्टली जो एरियल फायरिंग, वन व्हीलिंग और अच्छा। जो सोशल मीडिया पे असली की नुमाइश वगैरह कर रहे हैं उनको हम कैप्चर करते हैं और हम रेलिवेंट पुलिस को भेज के उनको पकड़वाते हैं। अच्छा जी, अब कैसा फील कर रहे हो? जी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। बेसिकली हमारा काम आवाम की खिदमत करना, आवाम को अवेयरनेस देना, तो वो बेसिकली ऑलरेडी हमारे लिए अवार्ड है। ठीक है, लेकिन जब हमें अप्रिसिएशन मिलता है तो हमारा जज्बा और बढ़ जाता है, थ्रू आउट मोटिवेशन मोरल हाई हो जाता है इनका। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। थ्रू आउट मोटिवेशन कौन रहा अभी तक लाइफ में? तो मोटिवेशन मेरे फादर हैं। अच्छा, तो आप अपनी सारी सक्सेस स्टोरी फादर को डेडिकेट? मेरे फादर भी पुलिस में थे, वो भी रिटायर्ड हुए हैं, तो अभी मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगा। अच्छा अच्छा। अब हमारे साथ पीसी ऑफ द मंथ शान फजल हक मौजूद हैं, और ये उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं, कौन से डिपार्टमेंट से वो पीसी ऑफ द मंथ बने हैं। आइए शान, हमारे पास आइए और हमें बताइए कि क्या ऐसा आपने काम किया कि आपको ये अवार्ड मिल गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑल थैंक्स टू ऑलमाइटी। मेरा ताल्लुक जो है वो ईडेक डिपार्टमेंट से है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एंड एनालिसिस सेंटर। ये बेसिकली हमारा डिपार्टमेंट जो है वो पोस्ट क्राइम इवेंट्स को जो है वो
कवर करते हैं, उसके अंदर हम लोग एविडेंस कलेक्ट करके आईओएस को जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, बीट फ्रॉम पुलिस और बीट फ्रॉम एनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उनको हम ऐसे यूजफुल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं जिसकी बेस के ऊपर वो कल्प्रिट तक पहुँच सकते हैं इजीली। तो ये बेसिकली इसका मकसद ऑब्वियसली यही है कि कुछ मैंने ऐसे केसेस अगेन, क्योंकि हम लोग वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि हमने वो केस, तो अभी तक कितने केसेस जिनको आप ट्रेस कर चुके हैं एंड यू हैव डन, इट्स लाइक मोर देन 100 केसेस। इस जज्बे के तहत आप ये सब कुछ कर रहे हैं? बेसिकली ना मेरे ख्याल के मुताबिक जब आप एक भी कोई ऐसा सक्सेसफुल केस ट्रेस करते हैं जिसके अंदर आप किसी की लाइफ सेविंग एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो आपका जो है वो वहाँ पे ही पैसा वसूल सीन हो जाता है। ठीक है, आप जो है ना वो वहाँ पे ही आपकी इनर सेटिस्फेक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है, इतना आपका मोरल हाई हो जाता है। इनफैक्ट ये कि यहाँ पे कुछ केसेस, मेरा जब फर्स्ट मंथ था यहाँ पे तो एक मैंने मर्डर का केस ट्रेस किया था, वो ब्लाइंड केस था, वहाँ पे यहाँ पे लोग मौजूद, उन्होंने यहाँ पे पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा के। जी नाज़रीन, ये तो थे हमारे साथ पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर जिन्होंने बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद उनको रिवॉर्ड मिला, और कहते हैं कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। इसी के साथ अब हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हुआ जाता है। नए प्रोग्राम के साथ नए मौजूदात के साथ हाजिर होंगे, और अब आप लोगों ने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है, इसके अलावा हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ, अल्लाह हाफिज़।